Hi everyone, welcome back to our channel. My name is Poonam and this video is about monthly expenses of living in USA. So America में एक महीने का cost of living कितना है, यानी कि एक महीने का रहने का खर्चा कितना है. So सभी expenses के बारे में हम one by one discuss करेंगे इस video में. So here is a proof that कि हमने अपने monthly actual expenses को analyze करके ही ये range बनाई है और जो expenses हम नहीं करते हैं वो हमने reliable source से collect करी है. So हम जिस city में इस वक्त रह रहे हैं उस city के हिसाब से ये cost of living है and this city is in New Jersey which is in absolute touch with New York. And शायद आपको पता होगा कि न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क आर वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट्स ऑफ यूएसए. सो जो मोस्ट एक्सपेंसिव स्टेट्स होगा लाइक कैलिफोर्निया ले, वहां पे ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर साइड पे होगा. सिमिलरली जो लीस्ट एक्सपेंसिव स्टेट्स हो गए फिर वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम होगी. सो एट द सेम टाइम ये भी याद रखिए कि जो इनकम होगी फिर उसी स्टेट के हिसाब से एडजस्टेड भी होगी. सो अगर सिंपल वे में कहा जाए तो आपका जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट कैन वेरी, स्लाइट डिफरेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू कि आप किस स्टेट में रहते हैं, किस सिटी में रहते हैं, कौन से रीजन में रहते हैं, आपका लाइफ स्टाइल कैसा है या फिर आपके खुद के पर्सनल चॉइसेस कैसे हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फैमिली में मेंबर्स कितने हैं. सो इस वीडियो में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दिस इज फॉर अ कपल, यानी कि टू पर्सन के लिए. सो इफ यू आर द ओनली अर्निंग मेंबर इन योर फैमिली एंड डिपेंडेंट फैमिली मेंबर जो अर्न नहीं कर रहे हैं वो ज्यादा है, लाइक आपके पेरेंट्स हो गए या फिर चिल्ड्रन हो गए, तो ऑफकोर्स फिर आपको एक्सपेंसिस हायर लगेंगे एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग फिर आपके लिए ज्यादा होगी. एट द सेम टाइम अगर सपोज एक कपल है और दोनों ही अर्न कर रहे हैं तो फिर तो ये एक्सपेंसिस उनके लिए चीप ही कहलाएगी. एंड इन माई केस आई एम ऑन डिपेंडेंट वीजा एंड आई एम नॉट अर्निंग, बट आई मस्ट से इफ यू हैव अ गुड सेविंग हैबिट एंड यू नो हाउ टू कट डाउन द एक्सपेंसिस, कैसे मिनिमाइज करना है एक्सपेंसिस, देन यू कैन डेफिनेटली सेव अ लॉट ऑफ मनी. एंड दैट्स प्रीटी मच फॉर द वीडियो इंट्रोडक्शन. नाउ लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट वन इज रेंट. सो रेंट का जो रेंज है दैट इज $1500 टू $2500 डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ अकोमोडेशन. सो जैसे कि यहाँ पे शेयर्ड का कल्चर है तो अगर एज अ कपल आप शेयर्ड में रहते हैं तो $1500 से कम में भी मिल जाएगा, और आप अगर सिंगल पर्सन है इंडिविजुअल है तो फिर आपको $1000 से कम में भी मिल जाएगा. सो अगर आप 1 BHK लेते हैं तो फिर $1500 से स्टार्ट होकर फिर इट कैन गो अप, और वैसे अगर बड़े अपार्टमेंट में लेंगे तो फिर वहां का फिर रेंट ज्यादा ही होगा. उसके साथ ही में ये भी डिपेंड करता है कि जिस एरिया में आप घर ले रहे हैं वहां का क्राइम रेट कैसा है. अगर वहां पे क्राइम्स हुए हैं, रॉबरी या फिर गन शूट वगैरह होते रहते हैं तो फिर वहां का रेंट थोड़ा सा कम होता है, और अगर सेफ एरिया है तो फिर वहां पे रेंट ज्यादा होता है. सो जब आप घर को रेंट पे लेते हैं तो उसके साथ में एक होम इंश्योरेंस का कंसेप्ट भी आता है डिपेंडिंग अपॉन लोकेशन एरिया एंड स्पेशली लैंडलॉर्ड पे. सो हमारे केस में ऐसा नहीं है. सो इन केस अगर आपको होम इंश्योरेंस लेना पड़ जाता है तो उसका कॉस्ट रेंज कैन बी बिटवीन $20 टू $40. एंड इन केस यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट इट देन मेरे ये दो वीडियोज हैं, आप दोनों को ही चेकआउट कर सकते हैं. मैंने इसमें होम टूर दिया है और साथ में रेंट भी बताया है. सो नेक्स्ट वन इज ग्रॉसरीज. सो ग्रॉसरीज का जो रेंज रहता है दैट इज बिटवीन $250 टू $400. अगर आपकी सिंपल लाइफ स्टाइल है एंड नॉट वेरी शॉपिंग काइंड ऑफ पर्सन तो फिर आपका $250 में काम हो जाएगा. अगर हम अपनी बात करें तो इट इज $300 फॉर अस. योर ग्रॉसरी बिल कैन गो अप एंड डाउन डिपेंडिंग अपॉन सीजन. विंटर सीजन में काफी सारी ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सपेंसिव हो जाती है. अभी आटा का क्राइसिस चल रहा है तो 10 LB आटा $18-19 का मिल रहा है. डिपेंड्स ऑन ब्रांड आप कौन सा प्रेफर करते हैं, लाइक आशीर्वाद आटा कंपेरेटिवली एक्सपेंसिव है अदर ब्रांड से. सो एज अ सेट की पर्सनल चॉइसिस पे भी डिपेंड करता है. राइस में जैसे कि सोना मसूरी राइस, बासमती राइस, तो बासमती थोड़ा एक्सपेंसिव होता है सोना मसूरी से. तो ग्रॉसरीज में कितना भी कट डाउन करने की कोशिश कर लीजिए 300 तो पहुंच ही जाता है. हाँ थोड़ा बहुत स्कोप है, आप मैनेज कर सकते हैं, लाइक वाटर बॉटल्स आप बाहर से खरीदने की जगह आप टैप वाटर कंज्यूम कर सकते हैं. डिफरेंट स्टोर्स विजिट करके आप देख सकते हैं कहाँ जी पर है, वहां से उठा सकते हैं या होलसेल मार्केट से उठा सकते हैं. सो या एंड इन केस यू आर इंटरेस्टेड टू नो द प्राइसेस ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स हियर देन प्लीज रेफर दिस वीडियो, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट वन इज यूटिलिटीज. सो ये 4 से 5 यूटिलिटी बिल्स है जो कि डिपेंड करता है आपके यूसेज पे एंड आपने प्लान कौन सा लिया है. सो फर्स्ट वन इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं. सो इलेक्ट्रिसिटी का बिल डिपेंड करता है आपके यूसेज पे, आपने एसी या फिर हीटर कितना देर तक यूज किया है. सो इसका जो रेंज रहता है दैट इज बिटवीन $100 टू $200. नेक्स्ट गैस की बात करते हैं. सो अगेन डिपेंड्स ऑन यूसेज आप गैस कितना कंज्यूम करते हैं. सो इसका जो रहता है दैट इज $50 टू $100. नेक्स्ट वन इज वाटर. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ वाटर यू यूज एंड मीटर साइज. सो इसका जो रेंज है दैट इज $50 to $80. नेक्स्ट कम्स इंटरनेट और वाईफाई जो कि लगवाना पड़ ही जाता है. सो दिस डिपेंड्स ऑन कि किस सर्विस प्रोवाइडर से आप सर्विस ले रहे हैं, कौन सा प्लान आप ले रहे हैं, कितने स्पीड का प्लान ले रहे हैं. सो कॉस्ट वेरीज अकॉर्डिंगली. सो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इसका जो रेंज है दैट इज बिटवीन $40 टू $80 और $100. नेक्स्ट वन इज गार्बेज और ट्रैश डिस्पोजल. सो जितना भी कूड़ा आप इकट्ठा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जितना वेस्ट आप प्रोड्यूस करते हैं उसके हिसाब से कॉस्ट कैन वेरी. सो इसका एक जो रेंज है दैट इज $20 to $30 के बीच में ये वेरी कर सकता है. देन कम्स फोन बिल और मोबाइल बिल. बिकॉज ऑफ कॉस कॉलिंग की जरूरत पड़ेगी आपको, रास्ते में इंटरनेट की जरूरत पड़ सकती है जिसके लिए आपको कोई ना कोई रिचार्ज प्लान तो लेना ही पड़ेगा. सो अगेन इट डिपेंड्स ऑन कि किस नेटवर्क प्रोवाइडर से आप सर्विस ले रहे हैं, कौन सा प्लान ले रहे हैं. कुछ सस्ते नेटवर्क प्लान्स भी हैं, कुछ
एक्सपेंसिव भी हैं. सो जो इसका एक एवरेज रेंज बताई जाए तो दैट इज बिटवीन $25 to $50. इससे एक्सपेंसिव भी आते हैं लेकिन इससे चीप तो नहीं मिलेगा. वो कभी ना कभी कोई ऑफर चलता है तो फिर उसमें चीप मिलने के पॉसिबल है, लेकिन एक $25 जो है मिनिमम वो उतना रहेगा ही. सो इन आवर केस ये सारे यूटिलिटी बिल्स एक्सेप्ट मोबाइल फोन हमारे मंथली रेंट के अमाउंट में इंक्लूडेड है, इसीलिए हमें अलग से इसको देने की जरूरत नहीं पड़ी और हमें उसका फिर एक्सपीरियंस भी नहीं है. बट येस, एज पर आवर रिसर्च ये रेंज हमें एक मिली है. नेक्स्ट कम्स ट्रांसपोर्टेशन. सो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है एंड यू डिसाइड टू बाय अ कार, तो उस केस में फिर आपकी कार की EMI, कार का इंश्योरेंस एंड कार का फ्यूल, ये तीनों एक्सपेंसेस एडिशनली लगेंगे, जिसका कॉस्ट ऑन एन एवरेज $400 रहेगा एज पर आवर रिसर्च. हमारे पास कार है नहीं उसका, इसलिए हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है कितना अमाउंट जाता है, कितना एक्सपेंस लगता है, वो हमें एक्जैक्टली नहीं पता है. सो इन दिस एरिया अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से अप डाउन करते हैं तो आपका कॉस्ट रेंज रहता है $70 to $200, विच कैन गो अप एंड डाउन. यहाँ पे मंथली पासेस वीकली पासेस मिलते हैं जिसमें कि आपके थोड़े बहुत पैसे बच सकते हैं. सो न्यू जर्सी एंड न्यूयॉर्क एरिया में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन काफी अच्छा है, लाइक बसेस है, लाइट रेल्स है, पार्क ट्रेन्स है, मेट्रोज है. सो उसमें ट्रैवल करना काफी अफोर्डेबल रहता है एज कम्पेयर टू कैब्स लाइक उबर एंड लिफ्ट, जो कि यहाँ की कंपनी है, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है एंड ऊपर से भी ट्रैफिक भी फेस करना पड़ जाता है उस केस में. नेक्स्ट कम्स हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हेयर. यहाँ पे हेल्थ केयर बहुत एक्सपेंसिव है, बिना मेडिकल इंश्योरेंस के आप लुट जाओगे. सो अगर आप US किसी कंपनी के थ्रू जॉब पे आए हैं तो डेफिनेटली कंपनी के थ्रू आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल गया होगा, विच इज बेस्ट. सो आपके मेडिकल इंश्योरेंस का अमाउंट वेरी करता है कि आपने कवरेज कितने के लिए रखी है, आपने क्या कवर करा रखा है उसमें, आईज या फिर डेंटल. तो हमारे केस में जैसे हमने डेंटल केयर भी कवर करवा रखा है तो उस केस में हम दोनों का मिला के जाता है $600 per month. सो जिसकी भी प्रॉब्लम आपको ज्यादा होती है आईज की या फिर डेंटल की, उस चीज को आपको अपने मेडिकल इंश्योरेंस में जरूर इंक्लूड कराना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीजें यहाँ पे एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव है. नेक्स्ट कम्स लॉन्ड्री, वॉशर एंड ड्रायर के खर्चे. सो अगर आप घर में खुद से मैनेज कर सकते हैं धोने का और सुखाने का, देन दैट्स गुड इनफ, वहां पे आप पैसे सेव कर सकते हैं. लेकिन ये हर बार पॉसिबल नहीं होता क्योंकि कई बार लोकेलिटीज अलाउ नहीं करती आपको कपड़े बाहर सुखाने के लिए या फिर घर में धोने के लिए. कई बार बाथरूम में कम कपड़े धुल जाते हैं लेकिन ज्यादा नहीं धुल पाते. कई बार क्लाइमेट ऐसा होता है, वेदर कंडीशंस ऐसी होती है कि नहीं पॉसिबल होता है. सो इसीलिए लॉन्ड्रोमैट जाना ही पड़ जाता है, तो वहां पे फिर आपको ये खर्चा लगेगा. सो वॉशर एंड ड्रायर के कॉस्ट काफी अफोर्डेबल है, ड्रायर काफी चीप है. अगर आप इसके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरा ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो लॉन्ड्री का खर्चा डिपेंड करेगा आप कितनी फ्रिक्वेंटली लॉन्ड्रोमैट विजिट करते हैं, वहां पे कितने वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ क्लोथ्स है आपकी. सो अगर 2% के हिसाब से बताऊं और अगर एक महीने में हम 4 बार जाते हैं लॉन्ड्रोमैट, यानी कि हर हफ्ते जाते हैं, तो उस केस में जो कॉस्ट रहेगा वो रहेगा बिटवीन $30 to $50 इंक्लूडिंग द डिटर्जेंट कॉस्ट. एंड नाउ द सेकंड लास्ट वन इज एंटरटेनमेंट एंड पर्सनल एक्सपेंसेस. इसमें आई एम कंसीडरिंग बाहर खाना खाने आप जाते हैं, शॉपिंग के खर्चे, ट्रैवल के, मूवीज के, ये सारे मिक्स खर्चे इसमें. सो अगर एंटरटेनमेंट की बात करूं गाइस, तो इसमें पहले हम ट्रैवल इंक्लूड करते हैं. एंटरटेनमेंट मूवीज ये सब आपका पर्सनल चॉइस, आप जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते. हम इनमें से बहुत कम शौकीन, अभी बिगनिंग फेज है तो इतना पॉसिबल नहीं है. एंटरटेनमेंट में हम दो चीजों की बात करते हैं, ट्रैवल एंड दूसरा मूवीज. अगर आप सिनेमा जाना पसंद करते हैं तो वहां पे हॉलीवुड मूवी है या बॉलीवुड मूवी है, कितने पॉपुलर एक्टर्स की मूवी है, कॉस्ट उस पर डिपेंड करेगा. सो इट कैन बी स्टार्टिंग फ्रॉम लाइक $10. अगर आप दो जने हैं और महीने में एक बार जाते हैं तो इट कैन बी $20. और अगर आप OTT के फैन हैं लाइक नेटफ्लिक्स वगैरह के, तो डेफिनेटली आप उसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और दोनों जने यूज कर सकते हैं. तो ट्रैवल में बात करी जाए तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे प्लेसेस है जिसमें एंट्री फीस लगती है, लाइक काफी पॉपुलर ट्रैवल डेस्टिनेशंस है उसमें काफी अच्छी खासी टिकट प्राइस होती है. तो अगर दोनों का मिला के बताया जाए ऑन एन एवरेज तो इट कैन बी $100. सो सिनेमा या नेटफ्लिक्स के हम इतने क्रेजी नहीं है. सो जो भी एंटरटेनमेंट है हम यूट्यूब के थ्रू कर लेते हैं. और बाकी ट्रैवल की बात करें तो काफी सारे पॉपुलर डेस्टिनेशन है लाइक स्टैचू ऑफ लिबर्टी, फेरीज है जिसमें चार्जेस है, तो उसको हम डेफिनेटली एक्सप्लोर करेंगे आने वाले टाइम में, बट नॉट राइट नाउ. पर्सनल एक्सपेंसिस में लाइक ब्यूटी एंड सलोन की सर्विसेज आ गई या फिर पर्सनल केयर का सामान आ गया लाइक फेस वॉश, शैम्पू, सोप्स वगैरह, जो कि चाहिए ही चाहिए. हालांकि आप ब्यूटी एंड सलोन की सर्विसेज को इनिशियल फेज में अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि कॉस्टली है. आईब्रो, हेयर कटिंग, बेसिक चीजें आप खुद से कर सकते हैं घर पे, जो कि हम भी करते हैं. पर्सनल केयर के सामान को यू कैन नॉट अवॉइड. सो अगर आप इतना छोटा प्रोडक्ट भी लेते हैं तो उसका $7 कॉस्ट रहता ही है. सो अगर आप एक महीना भी चला लेते हैं तो फिर यू कैन से कि अब $20 आपको मिनिमम हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा. एंड शॉपिंग के खर्चे की बात करूं तो इनिशियली आप डिफरेंट शॉप्स को एक्सप्लोर करते हो और कहीं ना कहीं आपको सस्ती चीजें दिख जाती है तो लेने का मन कर जाता है और जाने अनजाने आप उस चीज को परचेज कर लेते हैं. स्पेशली डॉलर ट्री आप जाते हैं और $1 का सामान देखते हैं तो कई डॉलर्स के सामान आप उठा के घर ले आते हैं. सो इस तरीके से $20-$30 के आप खर्चा कर ही जाते हैं महीने में शॉपिंग पे, भले वो किचन की हो या फिर कपड़ों की हो. सो देखा जाए तो विंडो शॉपिंग के चक्कर में एक्चुअल शॉपिंग हो जाती है. बट यस, ये खर्चा कंट्रोलेबल है, अवॉइडेबल है. जिस चीज की जरूरत हो सिर्फ तभी
जी नाउ लेट्स टॉक अबाउट डाइन आउट एक्सपेंसेस. हो ना हो महीने में एक बार बाहर खाना हो ही जाता है, कुछ से कुछ चीज आप खा ही लेते हैं बाहर, जैसे कि बर्गर हो गया या पिज्जा हो गया, ये सब चीजें आपको आसपास दिखती ही रहती है, कॉफी हो गया दिखती ही रहती है, तो कभी ना कभी मन कर ही जाता है. तो अगर महीने में आप दो बार भी ऐसा कर जाते हैं तो उस केस में फिर आपका जो खर्चा है ये $20 to $40 के बीच में हो सकता है. सो मैंने ये एक्सपेंस वैसे बहुत ही लोअर साइड में बताया, यू कैन टेक इट अप टू $50 पर मंथ फॉर टू पर्सन्स. सो अगर यहाँ पे एक बर्गर किंग के बर्गर की बात करो तो एक जो इतना साइज का बर्गर आता है दैट इज फॉर $12 to $13. अगर आप पिज्जा की बात करें तो अगर आप एक स्लाइस लेते हैं इतना तो दैट इज फॉर $7. आप सबवे खाते हैं तो जो लोएस्ट कॉस्ट है वो है $8. सो इस तरीके से कॉस्ट रहता है. अगर आप दो जने के हिसाब से भी देखेंगे तो इट कैन बी अप टू $50. मतलब $50 में आप महीने का खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं. बट आप एक प्रॉपर डिनर करने के लिए जाते हैं या फिर लंच करने के लिए जाते हैं तो उस केस में ये खर्चा अबव $100 ही जाएगा. एंड स्पेशली अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो उस केस में तो डेफिनेटली $100 से ऊपर जाएगा. एंड फाइनली वी हैव कम टू द लास्ट वन दैट इज अदर्स. अभी तक जो भी एक्सपेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, अगर कोई और एक्सपेंस बच गया है जो कि उन कैटेगरीज में नहीं आता है तो उसको आप अदर्स में ले आइए. तो जिनके चिल्ड्रन है सपोज तो उनका फिर चाइल्ड केयर का कॉस्ट जाएगा, उनके एजुकेशन का कॉस्ट जाएगा, कोई अपनी फिटनेस को लेकर बहुत कंसर्न है तो फिर उनका जिम का कॉस्ट जाएगा. तो इस तरीके के एक्सपेंसेस है जो कि आप अदर्स में क्लब कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो इंक्लूड बर्तन धोने का सामान, बाथरूम क्लीनिंग का सामान, ये सब जो छोटे छोटे सामान है ये तो $10 में हो जाएगा. लेकिन जो जिम के है, एजुकेशन है, फिर चाइल्ड केयर है, इसके बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग बिकॉज मैं ये खर्चे नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे जरूरत नहीं है इसकी अभी. सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. आई होप दिस वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल. इन केस यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. फॉर मोर सच काइंड ऑफ कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. टिल देन टेक केयर, बाय, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.